हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम जे क्लैक 07 में। तो दोस्तों आपको अब मिर्ची के पौधे भी दिखा देता हूँ कैसे कैसे। देखो लीव्स आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे हरे हरे लीव्स आने स्टार्ट हो गए हैं और कीड़े भी जो है हट चुके हैं सारे के सारे। किसी ने कमेंट करके बोला था कि हल्दी डाल दी है तो कीड़े नहीं हटेंगे, लेकिन कीड़े हट चुके हैं। थोड़े बहुत जो मेन मेन से कीड़े रह गए हैं, और यहाँ पर भी देखो कितने प्यारे लीव्स आ रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। साइड ब्रांचेस भी अच्छे से ग्रोथ कर रही है, इसमें भी आ रहे हैं, देखो सब में आ रहे हैं। छोटे छोटे लीव्स आ रहे हैं, इसमें भी देखो दो पौधे लग रहे हैं, इसमें भी लीव्स आ रहे हैं, तीन लग रहे हैं। इसमें भी छोटे वाले में लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको अपडेट दे दूंगा। और आप देख ही रहे हो सारे पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो सारे मैरीगोल्ड बहुत प्यारे लग रहे हैं देखने में। और ये वाला पौधा देखो, इसमें भी कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। अभी और आएंगे, देखो कितनी कलियाँ खिलना बाकी है, अंदर तक आ रहे हैं पौधे फ्लावर्स। और बाकी पौधे देख लो, इसमें भी आएंगे फ्लावर्स। अभी थोड़ा इसको भी कटिंग करने पड़ेगी, जैसे पिटूनिया को कट करा था तो फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए। पिटूनिया में देखो कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लावर्स अभी ग्रो कर चुके हैं, खिल चुके हैं। और अभी देखो कितनी कलियाँ आ रही हैं, अभी और खिलेंगे और फ्लावर्स आएंगे, तो आपको और अपडेट दूंगा। और पिटूनिया का पौधा जिसके भी घर में हो, तो अगर वो फ्लावर्स नहीं दे रहा तो उसको साइडों से कट कर दें, फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने भी यही करा था, तभी ज़्यादा फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए। और मैरी गोल्ड में भी अगर आपके फ्लावर्स नहीं आ रहे तो उसके भी ऊपर टॉप से कट कर दोगे तो फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे साइड ब्रांचेस में, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं आप देख ही रहे हो। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर लो ताकि और अपडेट मिलती रहे पौधों के बारे में। और खाद वगैरह प्रॉपर दे पौधों को, गर्मी आ चुकी है, क्योंकि गर्मी में वाटरिंग और खाद बहुत ज़रूरी होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, कमेंट करके जरूर बताना, धन्यवाद। और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को ताकि और अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।